दोस्तों रणबीर कपूर की नई फिल्म एनिमल का प्री टीजर आया है। पहले टीजर ही फिल्म की पहली झलक होती थी। अब टीजर से पहले फिल्म की एक छोटी क्लिप रिलीज हो रही है जो कि अमूमन फिल्म का कोई सीन या सीक्वेंस होता है, कथानक के लिहाज से बहुत जरूरी या कुछ ऐसा जिसे देखकर फिल्म का मिजाज समझ आ जाए। एनिमल का जो प्री टीजर है वो बवंडर है। सिनेमैटिक तरीके से प्रभावशाली बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ रणबीर का ओवरऑल लुक, एक्शन और उनकी आंखें। मगर इस क्लिप में रणबीर कपूर जो एक्शन करते दिख रहे उसे कोरियन फिल्म ओल्ड बॉय की नकल बताया जा रहा है। 2003 में एक साउथ कोरियन फिल्म आई थी ओल्ड बॉय, जो इसी नाम के जापानी कॉमिक्स पर बेस्ड थी। इस फिल्म को पार्क चान वूक ने डायरेक्ट किया था। चोई मिन सिक ने फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म की दुनिया भर में भारी तारीफ हुई थी। फिल्म में एक एक्शन सीक्वेंस था। यह सीक्वेंस एक गलियारी जगह में घटता है। इसमें फिल्म का नायक एक हथौड़े और चाकू की मदद से ढेर सारे लोगों को मार गिराता है। हैंड टू हैंड मारामारी भी होती है। अलग से इस सीक्वेंस के क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अब जो एनिमल का प्री टीजर आया है इसकी तुलना ओल्ड बॉय की इसी सीक्वेंस से हो रही है। दोनों सीक्वेंस बुनियादी तौर पर भले ही एक दिखे मगर उनमें जमीन आसमान का फर्क है। ओल्ड बॉय वाला सीक्वेंस एकदम रॉ है। उसमें आपको ज्यादा सिनेमाई मिलावट नहीं मिलेगी, ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक, ना एक आदमी की हीरोगिरी, ना ही उसमें बाहरी सजावट जैसी कोई चीज है। प्लस फिल्म में वो सीन जिस वक्त आता है आप नायक की उस झलाहट को महसूस कर सकते हैं। वो आदमी जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, आप वहां होते तो क्या करते। मतलब वो सीन सिर्फ देखने भर के लिए नहीं है, सोचने को भी मजबूर करता है। एनिमल के प्री टीजर में जो एक्शन उसका संदर्भ हमें नहीं पता, वो बस फिल्म का फील देने के लिए रिलीज किया गया है ताकि पब्लिक को पता रहे कि वो किस किस्म का सिनेमा दिखाने जा रहे हैं। इस सीन में बहुत स्वैगर है। बाकी दोस्तों एनिमल का प्री टीजर देखकर आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।